दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 23। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ऑप्शन है आपके बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों, बिंदुसार। देखिए बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है और यूनानी इतिहासकार अमित्र घात को अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो बिंदुसार था और इसको अमित्र घात भी कहा गया है। अमित्र घात बिंदुसार को कहा गया है और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो सही उत्तर है पानीपत की द्वितीय लड़ाई दोस्तों अकबर यानी उसके संरक्षक के रूप में बैरम खां और हेमू। तो देखिए अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 5 नवंबर 1556 को हुआ था और ये अकबर यानी अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां और हेमू, जिसने हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर जो है हिंदू राजा के रूप में शासन किया था, अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। आपको बताना है तो सही उत्तर है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष और राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेजाक भुक्ति। देखिए जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या विदर्भ। तो सही उत्तर है बुंदेलखंड दोस्तों। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था और चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पे ये प्रदेश जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। आपको बताना है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन है आपके हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी या चंदबरदाई। तो सही उत्तर है उत्बी दोस्तों। महमूद गजनवी शिक्षित और सभ्य था, वो विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था और उत्बी की कृति क्या है, ये है किताब उल यामिनी दोस्तों, किताब उल यामिनी या इसको तारीख यामिनी ग्रंथ कहा जाता है। उत्बी इसका रचनाकार था और महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें है दीवाने मुश्तकराज, अलाउद्दीन खिलजी, सही सुमेलित है आपका, ये राजस्व विभाग से संबंधित था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक, ये सही सुमेलित है, कृषि विभाग का अधिकारी होता था। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये दान विभाग होता था। और दीवाने रियासत बलवन, ये दोस्तों दीवाने रियासत बलवन से संबंधित नहीं है,
ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवाने रियासत की स्थापना किया था, और इसका मुख्य कार्य, इस विभाग का मुख्य कार्य जो था वो बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखना था। तो दीवाने रियासत बाज़ार नियंत्रण विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, न कि बलवन की। बलवन ने, तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द बेजाज का नारा किसने दिया था। तो सही उत्तर है, वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दिया था, और दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम मूल शंकर था। 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और दोस्तों आर्य समाज के अधिक प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने शुद्ध वैदिक परम्परा में विश्वास किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे, वो समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सही उत्तर है सी आर दास। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चितरंजन दास थे। दोस्तों सी आर दास को देश बंधु चितरंजन दास इनका पूरा नाम था, और चितरंजन दास को देश बंधु की उपाधि मिली हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आपको बताना है। सही उत्तर है दोस्तों लायड जॉर्ज। देखिए डेविड लायड जॉर्ज उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, और जॉर्ज का कार्यकाल 1916 से 1922 था। तो देखिए लायड जॉर्ज दोस्तों 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो सही उत्तर है दोस्तों 2019 जो है कृषि के आंकड़ों के अनुसार, 2019 के आंकड़ों के आधार पर शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक देशों में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया हैं। तो सही उत्तर है ब्राज़ील। यहां पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है आपके, देखिए दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एशिया। एशिया महाद्वीप दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, आपको बताना है कि किस राज्य की मुख्य भूमि तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है गुजरात। देखिए गुजरात राज्य की तट रेखा मुख्य भूमि से सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। ऑप्शन है आपके केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। दोस्तों भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो तमिलनाडु है। तो याद रखिएगा लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। एक प्रश्न आसान सा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके कावेरी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक लंबी हैं, लेकिन इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको श्वेत क्रांति कहा जाता है, इसका संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और भारत में इस क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है आपके 1948, 1945, 1949 और 1947। तो सही उत्तर है दोस्तों 1 जनवरी 1949। तिथि याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसकी स्थापना कब हुई थी,
1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में 1 जनवरी को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे जो है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर इसका प्रकाशन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आधिकारिक या सरकारी तौर पर। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है। 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम। तो सही उत्तर है, 1 हेक्टेयर से कम। दोस्तों भारत में जो कृषि संगणना है उसके अनुसार भारत में सीमांत जोत या मार्जिनल लैंड होल्डिंग इसका आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अर्ध जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर तथा बृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर या इससे अधिक है। तो सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अगला प्रश्न है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो आपको बताना है, प्लास्टिक मनी की संज्ञा किसे दी जाती है। तो सही उत्तर है, क्रेडिट कार्ड। दोस्तों प्लास्टिक मनी नकद कैश का एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की जाती है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि आते हैं। अगला प्रश्न राजव्यवस्था से है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो सही उत्तर है, अनुच्छेद 1। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारतीय संविधान के। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज उल्लिखित हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, 11। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A या 51K में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। दोस्तों उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में या 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इनकी संख्या अब 11 हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सही उत्तर है, 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, 1/3 सीटें, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 में यानी 9A में दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था। नगर पालिका के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर या जिसे हिंदी में आर्द्रता मापी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है आर्द्रता यानी नमी को मापने के लिए। तो सही उत्तर है, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है,
सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण जो है वो मेंडलीफ के द्वारा किया गया था, और मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आवर्ती क्रम में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या वर्गीकरण की सारणी प्रस्तुत की थी। बाद में मोजले नामक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक है मोजले, देखिए मोजले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को संशोधित किया और तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया, जिसको कि आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मोजले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी में मुख्य अंतर ये है कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर वर्गीकृत किया था, जबकि मोजले ने उनको तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही उत्तर है आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जलने में सहायक नहीं होती है, इसलिए आग को बुझाने के लिए ये सर्वोत्तम गैस है। अगला प्रश्न है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है यकृत, फेफड़े, प्लीहा या वृक्क। तो सही उत्तर है यकृत। दोस्तों यूरिया जो है इसका संश्लेषण यकृत यानी लीवर में होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इंसुलिन में सक्रिय होते हैं या इंसुलिन किस शरीर के किस अंग में सक्रिय होते हैं। तो सही उत्तर है इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन जो है दोस्तों अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की प्रदीपिकाओं के द्वारा होता है। तो इनकी बीटा सेल जो होती हैं लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की बीटा सेल, उनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रवण होता है और ये रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों व्यक्ति में मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट अफेयर से है, क्योंकि इस परीक्षा में करंट अफेयर्स से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न है कि जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति ने गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की है। इस अभियान को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि में इसकी अनुमानित लागत राशि कितनी होगी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 4,077 करोड़ रुपए। दोस्तों 4,077 करोड़ रुपए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और 16 जून 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति ने डीप ओशन मिशन की मंजूरी दी है और 5 वर्षों की अवधि में इसकी अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए होगी। अगला प्रश्न देखिए, मैं स्टार कर रहा हूँ, ये प्रश्न आसान तो है लेकिन आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो डेट याद रखिएगा, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद यानी ब्लैक गुआवा विकसित किया है। तो सही उत्तर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। दोस्तों बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद को विकसित किया है। ये किस्म प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिनों से भरपूर है। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से ही है दोस्तों, 2 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो सही उत्तर है डेविड डियोप। दोस्तों 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार डेविड डियोप को दिया जा रहा है, और डेविड डियोप एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। डेविड डियोप फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं और दोस्तों उनको ये पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार जीतने वाले ये फ्रांस के पहले लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है।
तो सही उत्तर है पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता है। दोस्तों सही उत्तर है नोवाक जोकोविक। और जून 2021 में टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक ने जीता है। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DPT राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क जो है मिला है और भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPGA9 की खोज 1998 में किसके द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर है डॉक्टर अनिल सूरी। देखिए डॉक्टर अनिल सूरी जो हैं दोस्तों इन्होंने इसकी खोज की थी भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 की खोज। तो दोस्तों इसका उपयोग गर्भाशय यानी सर्विकल डिंब ग्रंथि के कैंसर में डेंड्राइटिक सेल आधारित रोग प्रतिरक्षण चिकित्सा में किया जा रहा है और स्तन कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों 31 मई 2021 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहले एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के 15 नीति निर्माता शामिल हैं। अगला प्रश्न है देखिए जून 2021 में 31वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 का आयोजन किया गया और इस समुद्री नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है। तो सही उत्तर 2005 से। दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष दोस्तों यहां पर देखिए 9 से 11 जून 2021 के मध्य भारतीय नौसेना और थाईलैंड की शाही नौसेना के बीच 31वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त का आयोजन किया गया और इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की गई है। तो सही उत्तर है 945 करोड़ रुपए। 945 करोड़ रुपए से दोस्तों सीड बैंक स्टार्टअप का शुभारंभ किया गया है और इसके तहत पूरे भारतवर्ष में पात्र इक्यूबेटरों के माध्यम से पत्र स्टार्टअप को बीज का वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रुपए का विभाजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HHDWT तो दोस्तों हाइपरसोनिक विंड टनल की परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है कहां पर दिसंबर 2020 में। तो सही उत्तर है दोस्तों सही उत्तर है कि 19 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन दिया है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है पीसो किस देश की मुद्रा है आपको बताना है। पीसो दोस्तों आपको बताना है कि पीसो मुद्रा किस देश में प्रचलित है। तो सही उत्तर है पीसो मुद्रा मैक्सिको की आधिकारिक मुद्रा है मैक्सिकन पीसो और दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरियन वान और इटली की यूरो और जापान की मुद्रा आप जानते हैं एन है। अगला प्रश्न है दोस्तों मंदिरों का मिलान उनके राज्यों से करना है। इसमें आसान से मंदिर है सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, कामाख्या मंदिर असम में, रामनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों ये तमिलनाडु में है और महाबोधि मंदिर आपका बिहार में स्थित है। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर आपका मिलान हो जाएगा जो है ऑप्शन सी CA, B और D। अगला प्रश्न भी दोस्तों मिलान से सुमेलित है। इसमें संगीतज्ञ और उनकी उत्कृष्टता का सुमेलन करना है आपको। असद अली खां दोस्तों उस्ताद असद अली खां बीड़ा वादन से संबंधित हैं। मल्लिकार्जुन ये शास्त्रीय संगीत से, बिस्मिल्ला खास प्रसिद्ध सहनाई वादक रहे और TN कृष्णन वायलिन वादक। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों एक बुक है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ
बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो है करंट में है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। देखिए खाद्य और कृषि संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन। तो सही उत्तर है खाद्य और कृषि संगठन। दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन, जिसको शॉर्ट में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं बल्कि रोम इटली में स्थित है। और अन्य चाहे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये आपके जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्टॉकहोम में। दोस्तों नोबेल पुरस्कारों का वितरण प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में किया जाता है। नोबेल का शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में और नोबेल की अन्य श्रेणियों के पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में बांटे जाते हैं, लेकिन शांति पुरस्कार एकमात्र पुरस्कार है जिसका वितरण ओस्लो नॉर्वे में किया जाता है। अगला प्रश्न पर्यावरण से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है, आपको बताना है। ऑप्शन है हरे पौधे, गैर हरे पौधे, पानी और परजीवी। तो सही उत्तर है दोस्तों ताप, जल, वायु, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये अजैव घटक हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका पानी। पानी पर्यावरण का अजैव घटक है, जबकि हरे पौधे, गैर हरे पौधे, परजीवी ये पर्यावरण के जैव या जैविक घटकों में शामिल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अनिवार्य 50 प्रश्नों का सेट है उसके लिए था, ताकि आप आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को तैयार करके आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।